नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइंटेड अपेंडेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए कह रहा है बिगेस्ट क्लास इन एनिमल किंगडम इज। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसेक्टा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इंसेक्ट हैव। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्री पेयर ऑफ लेग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए कह रहा है व्हाट इज कॉमन अमंग स्कॉर्पियन क्रैब हनी बी एंड सिल्वर फिश। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वाइंटेड लेग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि हनी बी एंड टर्माइट्स ऑल आर। सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोशल इंसेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। एंड सेवन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू। एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरेक्निडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कह रहा है कि डिप्लो सेगमेंट्स आर फाउंड इन। नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिलीपीड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टेंथ कह रहा है ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रस्टेशिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ कह रहा है कि इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजन एज। इलेवेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट इन स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। ट्वेल्व का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुक लंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है एन इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस। थर्टीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्वर फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये कह रहा है कि चेली सीरी आर फाउंड इन। मतलब 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अरेक्निडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हाउ ये कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स ए स्पाइडर हैज। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बाई रैमस अपेंडेजेज आर प्रेजेंट इन। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्टेशिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रीडेशन इज कॉमन इन। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइडर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइलियम इज कॉल्ड एज लीफ इंसेक्ट बिकॉज इट। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसेम्बल्स लीफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है एन एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स इज। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइलोबाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि काइटिनस प्लेट्स मेकिंग द एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स आर कॉल्ड। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट इज। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री पेयर्स ऑफ लेग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शोज ए क्लोज टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप। 25 का राइट आंसर हो जाएगा हनी बी क्रेफिश स्पाइडर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट इज फॉर्म्ड ऑफ। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइटिनस क्यूटिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लाजिन। यानी कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
स्पोलोपेंड्रा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि एडिस्टिंक्स थोरेक्स डज नॉट अकर इन। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीपीड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 ग्लो वार्म इज। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन इंसेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है पेरीप्लेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीडीडा एंड आर्थ्रोपोडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास इंसेक्टा। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइडर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रैब इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है विच वन इज ए ट्रैकी ग्रुप, यानी 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिल्क वार्म बेड बग सैंड फ्लाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट ग्रुपिंग। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीपीड मिलीपीड सिल्वर फिश ये सब सारे किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्कॉर्पियन। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक लंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश मतलब 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या सिल्वर फिश एप्टेरोगोटा और सेकेंड क्या जेली फिश स्काइफोज हुआ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ ए फाइलम। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइडर स्कॉर्पियन टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है टू कॉमन इंडियन कॉकरोच आर। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लैका ओरिएंटालिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है द पार्ट ऑफ हेड कैप्सूल ऑफ कॉकरोच बिटवीन आई जीन। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिक्रैनियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है द इनग्रोथ ऑफ एक्सो स्केलेटन इन द हेड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेंटोरियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेनी सेगमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 विंग्स ऑफ कॉकरोच एराइज वन पेयर ईच फ्रॉम। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि फोर विंग्स ऑफ कॉकरोच आर आर्टिकुलेटेड टू। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीजोथोरैक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इन कॉकरोच विंग्स आर अब्सेंट इन। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोथोरैक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है द डॉर्सल प्लेट ऑफ द थोरैक्स ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 ये कह रहा है द मेम्ब्रेन एट द साइट दैट कैन कनेक्ट द टर्गम एंड स्टर्नम इज कॉल्ड। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है एनल स्टाइल्स आर फाउंड इन। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल कॉकरोच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 ये कह रहा है स्ट्रक्चर विच हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल आर। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनल स्टाइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि डॉर्सल पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट इन कॉकरोच इज ए। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्गम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 एनल सर्काई अकर सीन, यानी कि 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर फाउंड इन मेल कॉकरोच बट नॉट इन फीमेल। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनल स्टाइल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है द एनल स्टाइल इन कॉकरोच आर प्रेजेंट ऑन। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइन्थ
इंटरनाइट ऑफ मेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मुख्य क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है विच ऑफ द टू पार्ट्स इन कॉकरोच आर फंडामेंटली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैगिली एंड लेग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है इफरेंट सेलिवरी डक्ट इन पेरिप्लेनेटा ओपन इनटू। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस ऑफ हाइपोफायरिंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 56 विच इज द कटिंग ऑर्गन इन द माउथ पार्ट ऑफ काक्रोच। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंडिबल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है कि माउथ पार्ट्स ऑफ काक्रोच आर। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइटिंग एंड चेविंग टाइप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है द पिंसर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द टाइप्स ऑफ मैगिला ऑफ काक्रोच आर। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैसिनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि द पैल्पिगर ऑफ काक्रोच बियर्स। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेबियल पैल्प इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्लैंटुली आर फाउंड ऑन। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉर्सस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है द मोस्ट सोलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ काक्रोच इज। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉक्सा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 62 नंबर ऑफ सेगमेंट इन ए लेग ऑफ काक्रोच इज। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 63 ये कह रहा है द टर्मिनल स्ट्रक्चर इन द लेग ऑफ काक्रोच बाई हुज हेल्प इट कैन क्लाइम अप स्मूथ वॉल इज। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरोलियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 64 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन द सेगमेंट ऑफ काक्रोच लेग। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिबुला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है विंग्स ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना मोस्टली हेल्प इन। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्केपिंग फ्रॉम डेंजर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है इन काक्रोच द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग आर नोन एज। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेगमिना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है द ब्रिस्टल्स ऑन द बॉडी ऑफ द काक्रोच एराइज फ्रॉम। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकोगन सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है मेलानिन पिगमेंट इन काक्रोच इज फाउंड इन। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सोक्यूटिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है द वैक्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ काक्रोच इज सिक्रेटेड बाई। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओइनोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है द बॉडी कैविटी ऑफ काक्रोच इज। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोसील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है हीमोलिम्फ ऑफ काक्रोच कंटेंट्स। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोसाइट्स एंड प्लाज्मा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है द इंटरनल लाइनिंग ऑफ गिजार्ड इन काक्रोच इज ऑफ। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूटिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काक्रोच कंट्रीब्यूट्स टू क्रशिंग ऑफ फूड। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिजार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 74 फंक्शन ऑफ स्टोमोडियल वाल्व इन द गट ऑफ काक्रोच इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिड गट इंटू गिजार्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 75 सलाइवा ऑफ काक्रोच कंटेंट्स। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमाइलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ काक्रोच। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजेंट्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन इज नॉट फॉर्मड इन काक्रोच। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिडगट विल बी इंजर्ड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है द नंबर ऑफ हिपेटिक सीका इन काक्रोच इज। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है इन काक्रोच डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाई द। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिपेटिक सीका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 80
काक्रोच इज, ए टी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमनीवोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ काक्रोच फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टल पैपिली ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है टंग ऑफ काक्रोच इज, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोफायरिंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ काक्रोच इज, 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 ये कह रहा है एलारी मसल्स इन काक्रोच आर रिलेटेड विद, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 85 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेरी प्लेनेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन काक्रोच इज, 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 87 ऑक्सीजन इन काक्रोच इज ट्रांसपोर्टेड बाई, 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन द हार्ट ऑफ काक्रोच इज, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है हार्ट ऑफ काक्रोच इज, 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोजेनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 90 काक्रोच हैज नो आरबीसी और हीमोग्लोबिन बिकॉज, 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट्स ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2 एंड टिश्यूज हैव डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 91 रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन काक्रोच एंड अदर इंसेक्ट आर, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 92 ये कह रहा है ऑक्सीजन कैराइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ काक्रोच एंड अदर इंसेक्ट इज, 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन हीमोएरिथ्रिन या नॉन ऑफ दीज, तो नॉन ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉम ऑफ क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है वन कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रैकी ऑफ काक्रोच एंड ट्रैकी ऑफ रैबिट इज दैट बोथ, 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव नॉन कोलेप्सिबल वॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉम ऑफ क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइरेकल आर प्रेजेंट इन पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 95 ये कह रहा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द बॉडी ऑफ काक्रोच कंसिस्ट ऑफ, यानी 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 96 स्पाइरेकल फाउंड इन काक्रोच आर, 96 का राइट आंसर क्या, टू पेयर इन थोरैक्स एंड 8 पेयर इन एब्डोमेन, ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है पेरिट्रीम इन काक्रोच 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनुलर स्क्लेराइट सराउंडिंग ए स्पाइरेकल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन काक्रोच आर, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 99 ये कह रहा है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन काक्रोच एंड अदर इंसेक्ट इज, 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि ए कॉमन कैरेक्टर बिटवीन सेप्टर नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवार्म एंड मेलपीगेट टू यूज ऑफ काक्रोच इज दैट बोथ, 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इन टू एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है काक्रोच आर, 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिकोटेलिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है माइसिटोसाइट सेल ऑफ द फैट बॉडी ऑफ काक्रोच हेल्पिंग, 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 103 ये कह रहा है द मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स इन काक्रोच ओपन एट द जंक्शन ऑफ, 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिडगट एंड ईडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 104 ये कह रहा है फंक्शन ऑफ मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स इन काक्रोच इज, 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन होम्योस्टेसिस ऑस्मोरेगुलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉम ऑफ क्वेश्चन 105 ये कह रहा है फैट बॉडीज ऑफ काक्रोच आर एनालॉगस टू वर्टिब्री, 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉम ऑफ क्वेश्चन 106 ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट ऑन द नर्व कॉर्ड ऑफ काक्रोच इज, 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन बी 9th इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 107 एक है इन ग्लूवियल गैंग्लियन इनका अप्रोच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा क्रॉप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 108 एक है हार्मोन प्रोड्यूस बाय कारपोरा एलेटा इन इंसेक्ट इज यानी कि 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 109 ये कह रहा है मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज रेगुलेटेड बाय तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक डाइसोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 110 ये कह रहा है कि एक डाइसोन इज प्रोड्यूस्ड बाय 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 111 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जुवेनाइल हार्मोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 112 ये कह रहा है कि द विजुअल ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच आर 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओमेटीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 113 ये कह रहा है रैबडोम इज फाउंड इन द आई ऑफ यानी 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इंसेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 114 ये कह रहा है कि द सिंपल आईज ऑफ कॉकरोच आर कॉल्ड 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फेनेस्ट्री इज राइट आंसर ऑफ दिस फेनेस्ट्री 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 115 ये कह रहा है ऑफ ए पोजिशन इमेज इन इंसेक्ट आर फॉर्म्ड इन 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्राइट लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 116 ये कह रहा है कि कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड इज फाउंड इन 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेल का कॉकरोच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 117 ये कह रहा है फैलिक ऑर्गन इन कॉकरोच आर रिलेटेड टू 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है कि ए मेल कॉकरोच हैज 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 फैलोमियर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 119 ये कह रहा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉकरोच ट्रांसफर्स द मेल गैमेट्स इन द फार्मा यानी 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पर्मेटोफोर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 112 ये कह रहा है टीटी लेटर इन कॉकरोच इज बॉर्न बाई 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लेफ्ट फैलोमियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 121 ये कह रहा है हाउ एग्स आर प्रेजेंट इन एन ओथिका ऑफ पेरीप्लेनेटा 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 122 नंबर ऑफ ओवरियोल्स इन ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच इज 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 123 ये कह रहा है कोलेटरल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ओथिका इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 124 विच स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन ए मेल कॉकरोच 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पर्मेथिकी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 125 ये कह रहा है एग ऑफ कॉकरोच इज 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंट्रोलेसिथल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 126 ये कह रहा है ओथिका इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज सीक्रेटेड बाय 126 का राइट आंसर कोलेटरल ग्लैंड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 127 ये कह रहा है एग ऑफ कॉकरोच आर फर्टिलाइज्ड इन 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 128 ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एग्डाइसिस इन कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट इज रिलेटेड विद 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रोथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 129 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नेसेसरी इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इन विच कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्यूपा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 130 ये कह रहा है कि पौरो मेटाबॉली इज 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 131 ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन हैचिंग एंड इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट द यंग कॉकरोच अंडरगो इग्डाइसिस 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नॉट लेस देन 10 ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 132 ये कह रहा है मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ साइकिल ऑफ पेरीप्लेनेटा इज 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नामुक क्वेश्चन नंबर 133
यंग कॉकरोच इज कॉल्ड 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्फ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 134 ये कह रहा है द पीरियड बिटवीन टू माउल्ट इन इंसेक्ट इज टर्म्ड एज, यानी कि 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 135 ये कह रहा है द यंग ऑफ सम इंसेक्ट रिसेंबल द एडल्ट इन जनरल स्ट्रक्चर बट लैक द विंग्स एंड मेच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सच ए यंग वन इज कॉल्ड। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निम्फ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है रिड्यूस्ड विंग आर फाउंड इन 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि 137 कह रहा है विंग्स आर वेस्टिजियल इन, यानी 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल ब्लैटा ओरिएंटालिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 138 पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना डिफर फ्रॉम ब्लैटा ओरिएंटालिस इन हैविंग 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेल डेवलप्ड विंग्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ब्लैटा ओरिएंटालिस इज 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 140 ये कह रहा है बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना एंड ब्लैटा ओरिएंटालिस इज इन 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंग्स लेंथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 141 ये कह रहा है कि कॉक्सल ग्लैंड्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉर्पियंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 142 ये कह रहा है कि पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर्स इन, यानी 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकुलाइना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 143 ये कह रहा है इन पहली मान स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन द 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटीन्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 144 एरेक्निडा इज कैरेक्टराइज बाई 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिफाइलोथोरेक्स कैलीसीरी पैडीज पैल्पी या फोर पेयर ऑफ लेग्स एंड सिंपल आइज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 145 ये कह रहा है कि ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व ड्यूरिंग 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैम्ब्रियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि क्रेफिश इज ए 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्टेशियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 147 ये कह रहा है ग्रीन ग्लैंड अ प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स हेल्प इन 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सक्रीशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहा है ल्यूम्यूलस बिलोंग्स टू क्लास 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरोस्टोमेटा, ऑप्शन ये इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है ब्लड ऑफ पेरी प्लेनेटा डज नॉट कैरी ऑक्सीजन बिकॉज 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई ट्राइकियल ट्यूब्स, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 150 ये कह रहा है हीमोसिन इज फाउंड इन, यानी कि 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉकरोच एंड पाइला 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों फाइलम आर्थ्रोपोडा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की का जो है नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायो जून 2.0 चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।